हाँ जी बेटा, रिवीजन जो हम ट्रिग्नोमेट्री की कर रहे थे वही स्टार्ट करने लगी हूँ। मेरे पास दिया हुआ है फर्स्ट, वेरी इजी, इफ कोसेकेंट थीटा इज √10 देन सीकेंट थीटा मेरे पास कितना होगा। बेटा आपको भी पता है कि मेरे पास जो है, अगर कोसेकेंट इतना है तो दैट मींस साइन थीटा जो है वो मेरे पास 1/√10 होता है, और साइन होता है P/H, तो दैट मींस कि परपेंडिकुलर मेरे पास जो है वो 1 है। अगर परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है तो दैट मींस H मेरे पास बेटा कितना हो जाएगा, दैट इज √10। और B मेरे पास देखो सीधा ही निकालने लगी, इसका स्क्वायर 10 + 1 दैट इज √11। तो आप सीधा लिखिए मेरे पास सीकेंट थीटा H/B, H is √10। और दिस इज, अगर ऑप्शन में ये रैशनलाइज में दिया तो रैशनलाइज कर दो, तो नहीं तो ऐसे ही रैशनलाइज में आपको पता है √11 से करेंगे और ये आ जाएगा 1/11 और 110, क्योंकि इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। हाँ जी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर ऐसे बनाओ या फिगर जो है मेरे पास आप ऐसे बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। ठीक है जी बेटा, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, बेस यही रहेगा, एच यही रहेगा, एंगल ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, डजंट मैटर। ठीक है जी, नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पीड से करेंगे जरा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट 90, मेरे पास ABC एंड इट इज रिटन दैट AB मेरे पास 12 है, BC मेरे पास 5 है, cot C की वैल्यू निकालो। cot क्या होता है, दैट इज B जो है बाय P है ना। अब बेटा देखो P भी है B भी है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं, डोंट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग एनीथिंग। तो मेरे पास B जो है 5 और P जो है 12, आंसर आ गया सीधे। नहीं तो नॉर्मली बच्चे फटाफट जी हाइपोटेन्यूज निकाल दें जी, ये कर दें, पहले देखो। हाँ cot C निकालना था। ठीक है बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेयर इट इज रिटर्न सीकेंट, फटाफट कैलकुलेट करना जरा, सीकेंट थीटा 25/7, फाइंड साइन थीटा। सीकेंट क्या होता है, बी बाय जो है मेरे पास, प्लीज ये कॉस का उल्टा है, तो मेरे पास जो है H/B, तो दैट, और साइन क्या चाहिए होता है, P/H। H तो पता चल गया 25, अब P चाहिए, P कैसे लिखेंगे, 25² माइनस, माइनस आता है हाइपोटेन्यूज में से 7² कैलकुलेटेड एंड गेट योर आंसर, फटाफट करना है। ओके अच्छा, मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक चीज बता दूं, ट्रिपलेट लर्न कर लो, ट्रिपलेट जैसे 6, 8, 10, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 100 होता है, वो 10 का स्क्वायर, मतलब ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट जो नॉर्मली यूज होते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे मेरे पास जो है एक 24, 25 और 7, ये याद होना चाहिए, एक बार लिख लो पेज पे, तो ताकि आपको, जिस बच्चे को पता है कि अच्छा 25 7 है, 100% 24 आएगा, उसको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मैंने आइडेंटिटी यूज की है हाँ ना, आप करके देख लो, 7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर 625 होता है और वो 25 का स्क्वायर होता है, तो ये नंबर याद कर लो, आपकी कैलकुलेशन को ये फास्ट करेंगे बेटा। ओके बेटा क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज
वन, और कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन होती है, ये याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम जरूर पूछी जाती है। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मेरे पास ए एक्यूट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए, अगर वो कह रहे हैं एक एक्यूट एंगल है यानी 90 से छोटा है, और फिर वो कह रहे हैं कि मेरे पास साइन ए प्लस कॉस ए क्या होगा, इक्वल टू वन, बी मेरे पास ग्रेटर देन वन, सी लेस देन वन, और डी मेरे पास जो है इक्वल टू टू। अब मैं आपको बताती हूँ, वेट बिसम, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। अगर मैं देखूं साइन ए प्लस कॉस ए, अगर मेरे पास जो है ये बी है, ये सी है, ओके ये मुझे दिया गया, ये अगर एक्यूट एंगल है तो आप मुझे बता सकते हो इसकी ऑपोजिट साइड नहीं होगी, परपेंडिकुलर कैसी होगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी इसके कंपैरेटिव? इफ दिस इज एक्यूट एंगल 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा ही होगा ना, होगा ना, दोनों दोनों का सम बस क्या है 90 होना होगा, 100% होगा है ना। अगर एक ये 30 है तो 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा दोनों, क्योंकि बराबर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब देखिए जरा, अगर मुझे बोला गया साइन ए जो है प्लस कॉस ए के बारे में मैंने देखना है, लेट अस सी। अब साइन ए, साइन क्या होता है, पी बाय एच, पी कितना है मेरे पास बीसी, मैंने यहां लिखा बीसी बाय एच तो ए सी रहना, कॉस ए ए बी बाय ए सी, यहां पर बीसी प्लस ए बी, यहां पर ए सी, 100% अगर आपको याद हो इक्वल टू कैसे, आप बीसी प्लस ए बी ए सी के इक्वल लिख सकते हो? नहीं, यही तो गलती करते हैं बच्चे। बेटा देखो, दो साइड्स का सम जो है बेसिकली किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी अगर मैं यहां देखूं इट इज ग्रेटर देन एसी, नीचे मैंने कुछ नहीं छेड़ा तो ये कट गया तो कितना, वन, तो दैट मीन्स साइन ए प्लस कॉस ए किससे बड़ा आया, वन से बड़ा। तुक्का नहीं लगाना, मतलब समझो इसको, है ना। अब ये क्वेश्चन बाकी से डिफरेंट है ना, इसको मार्क कर लो, बाकी तो सारे सिंपल क्वेश्चन, तो वही गलती हो गई। मैक्सिमम वैल्यू वन है ना बेटा, तो कई बच्चे क्या सोचते हैं ये भी वन से बड़ा, ये भी वन से बना तो मिला के टोटल टू से, मैक्सिमम वैल्यू वन है मतलब आएगी तो वन से छोटी ना। देखो गलत, वही गलत कर रहे हो ना बेटा, आपका थिंकिंग लेवल ही गलत है यहाँ। मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है। अच्छा अगर मान लो मैं ये मान के चलू, मान लो 0.9 इसकी वैल्यू, 0.9 और 0.9, हाँ नहीं साइन ए की, मुझे उसने कहा कि मैम आपने ऐसे क्यों नहीं लिया कि साइन ए की वैल्यू अगर वन से बड़ी है, कॉस ए की वैल्यू वन से बड़ी है ना, मतलब मैक्सिमम सॉरी वन हो सकती है, वन से बड़ी नहीं। मैंने कहा 0.9 और 0.9 ले लो दोनों के, या 0.9 और 0.7 ले लो। अब 0.9 है ना और 0.7 ऐड करो तो कितना आया है ना। अब कोई बच्चा उसको 2 से बड़ा भी मतलब कह सकता है? नहीं कह सकता ना, तो इसीलिए वो 1 से तो बड़ी है ना, तो मेरे पास ऑप्शन तो 1 से बड़ी वाली हुई ना। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी लेके पुट करके देख, वैसे बेटर क्या है हम हमेशा जर्नलाइज प्रूफ करें, उससे 100% करेक्ट आंसर आता। एक दो बार करोगे ना, एक बुक में नहीं हजारों बुक में ये क्वेश्चन है, आज एक बार किया कल को दूसरी बुक में करोगे तुम्हें याद ही हो जाना है। ओके क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कोई भी बुक पकड़ोगे ना, चार क्वेश्चन इजी और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है, तो उनको उनके नोट्स बनाओ क्योंकि वो दिसंबर तक चलने हैं, उनको एक कॉपी पे लिखो
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, टैन थीटा इज इक्वल टू 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए, वेरी इजी, ये फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास टैन है, टैन क्या होता है, पी बाय बी, एच निकल आएगा, अंडर रूट 9+4 का स्क्वायर 5 आया ना, मेरे पाइथागोरस ट्रिपलेट लर्न किए हुए 3, 4, 5, तो मुझे पता है 3 और 4 है तो 5 ही रह गया ना। समझ आई मेरी बात, कैसे बता रही हूँ? हाँ जी। अब मेरे को cos चाहिए, वो क्या होता है, बी बाय एच, इसका स्क्वायर 16/25 माइनस साइन चाहिए 9/25 तो 7/20। अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा टेंशन वाली कोई बात है, इसको तो हमने एक बार कर लिया, दिमाग में बैठ गया, ठीक है जी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए मैंने आगे भी उस दिन बताया था, इफ 16 cot x इज 12 फाइंड साइन ए माइनस cos x ही लेते ओवर साइन x प्लस cos x। मुझे पता है कई बच्चे क्या करेंगे, वो cot x की वैल्यू 12/16 4 3 4 4 करेंगे, cot होता है मेरे पास b by p, वो h निकाल लेंगे यहाँ, वो भी बिल्कुल सही है, बट एक और शॉर्टकट है मेरे पास। यस विषम, आप बता दीजिए। हाँ जी बेटा विषम बताइए, विषम अनम्यूट योर सेल बेटा, मैं बता देती हूँ, विषम अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ जी बेटा, तो क्या करेंगे, ये cot है, cot क्या होता है, cos over sin, तो मैं सारी इक्वेशन को अगर sin से डिवाइड न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो जब मैं करूंगी तो ये 1 माइनस cot x ओवर 1 प्लस cot x, तो 1 माइनस 3/4 ओवर 1 प्लस 3। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने किया, जिस बच्चे को आता है उसने कोई डिवाइड नहीं, उसने कहना सीधा ही यहाँ 1 बन जा रहा है, यहाँ 3/4 आ जा रहा है, ओके। यस विषम बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया बेटा, आंसर इज 1/7, बिल्कुल जी, पूरा पूरा निकाल लिए, मैं कह रही हूं जब तक मैं कोई हिंट देती हूँ ना, आप क्वेश्चन को पूरा इवेल्युएट किया करो प्लीज, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर मेरा बेटा, ये नहीं कि मैम बता रहे हैं हम बैठे नहीं, यू हैव टू सॉल्व इट अप टू एंड, आप मेरे से आंसर पूछा कीजिए, मैम इसका आंसर यही आ रहा है ना, तभी आपकी मैथ्स में स्पीड बढ़ेगी। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो अलग हैं। हियर इट इज रिटन टैन थीटा ए बाय बी फाइंड ए साइन थीटा माइनस बी cos theta over a sin theta plus b cos theta, कैसे करें, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना, cos से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, जब करेंगे तो a माइनस b मेरे पास tan theta और माइनस b a tan theta plus b, अब tan theta की वैल्यू मेरे पास क्या है, a by b और इधर से a by b, solve it and get your। हाँ जी बेटा, अभी तो पिछला क्वेश्चन किया ऐसे cot वाला, मैंने पूरी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ये क्योंकि ये tan है, tan कैसे बनता है, sin over cos, तो मैंने cos से यहां डिवाइड किया, cos से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, जब मैंने बेटा cos से किया साइन ओवर कॉस क्या होता है, एक मिनट, दक्ष क्या होता है और कॉस ओवर साइन, प्लीज क्यों बताते हो बेटा, दक्ष ने बोलना है तो उसी को बोलने दो, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। दक्ष साइन बाय कॉस टेन हो गया, इधर कॉस और कॉस कट गया,
इधर साइन बाय कॉस टेन और कॉस और कॉस कट गया, यहां क्या रह गया बी, यहां पर भी बी और टेन की जगह पे बेटा मुझे क्या दिया हुआ है ए बार। अगर दक्ष तुम्हें ये चीज नहीं पता चल रही है तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, ये पी ये बी पता है ना, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, एच निकाल लो फिर सारी वैल्यूज पुट कर दो, वो करना आता है मेथड ना, डू इट बाय दैट मेथड। ओके क्लियर, चलिए बेटा हाँ जी लेट अस सी द आंसर इज मेरे पास हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी चेक कीजिए सारे बच्चे। चलिए बेटा अब नेक्स्ट देखिए व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा। और मुझे फिगर दी हुई है बेटा लाइक दिस 10 6 8 हरी अप डू इट जल्दी जल्दी बी फास्ट ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो जल्दी बेटा लेट अस सी आप मेरे से ज्यादा फास्ट करते हो कि मैं करती हूं। साइन जो है पी बाय एच तो दैट मींस पी बाय एच टू कॉस बी बाय एच माइनस टेन मेरे पास जो है पी बाय बी तो दैट मींस 8 बाय 6 लेट अस सी 10 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है नहीं है। अब बेटा मेरे पास जो है यहां पर 25 100 एलसीएम ले लो, मेरे पास 100 एलसीएम नहीं बन रहा, ये बनेगा 25 इधर से और 4 इधर चला गया तो 25 चेक कीजिए बेटा जरा स्टेटमेंट, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ी दी हुई है कुछ, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द स्टेटमेंट, चेक कर लेना। ओके जी हाँ जी 3 × 64 मेरे पास हाँ जी देन 6 × 36 माइनस मेरे पास हो गए 8 × 50 ओके क्योंकि 6 5 दा और 0 दा, कैलकुलेशंस करो और बताइए कितना आंसर आया जल्दी हरी अप बी फास्ट। यस बिसम यस बेटा 8/12 8/12 बेटा ये कटिंग भी हो रही है 2/3 इज द आंसर वैसे ठीक है पूरा कटिंग कीजिए। हाँ जी नेक्स्ट बेटा ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं 2/3 इज द आंसर चेक कर लीजिए सभी हो गया पीछे कार्तिके हैव यू डन दक्ष बेटा हो गया जल्दी कीजिए मनमीत डन हाँ जी विवान डन बेटा नव्या रायना जल्दी करो जल्दी 2/3 यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट पी OP 7 सेंटीमीटर OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर ये देखो एज इट इज क्वेश्चन है आपके उसमें हाँ जी सॉल्व एग्जांपल भी है क्वेश्चन भी है क्या करते हैं पहले फिगर राइट एंगल्ड एट पी और ओ एंड क्यू मेरे पास ओपी 7 दी है आप जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लो यहां पर चाहे ओ क्यू की निकाल लो ओ क्यू की 1 प्लस पी क्यू ठीक है जी पी क्यू को एक्स ले लें
ठीक है, तो ये वन प्लस एक्स हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, मेरे पास वन प्लस एक्स का स्क्वायर, सेवन स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मेरे पास, और 49 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, मेरे पास हो गए 2x इज इक्वल टू 48 और x की वैल्यू 24। ओके बेटा, क्लियर? अब कैसे, हाँ साइड निकाली, दो साइड्स निकाली हैं, कोई बात नहीं। एक x की वैल्यू 24 आई, यानी ये 24 तो OQ 25 ही आएगी, है ना? तो अब बेटा देखिए, मेरे पास हो गए साइन थीटा, साइन क्या होता है, P बाय H, परपेंडिकुलर 7, H 25, दिस इज माय आंसर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, लेट अस सी, इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब प्रूफ तो हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं यहाँ पर। लेट अस डू एग्जांपल टू फ्रॉम योर बुक, एज दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वन स्टूडेंट। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर गिवन है एंगल पी, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर टू मेरे पास एक्यूट एंगल्स, सच दैट मेरे पास दिया हुआ है कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल है। मेरे पास दो ट्रायंगल्स ही हुई है इसमें, ये देखिए ए सी बी, ये पी आर क्यू मेरे पास। बेटा सबसे पहले तो हम रेशियो लेते हैं। अब अगर मैं साइन देखूं, साइन क्या होता है, पी बाय एच, हाँ जी। यहां पर मेरे पास P कौन सी होगी, दैट इज ए सी, एच क्या होगा ए बी, और इसमें देखूं तो हाँ जी पी आर ओवर पी क्यू। अब क्या करो, इसको ट्रांसपोज कर दो, ठीक है ना, इंटरचेंज, क्योंकि हम चाहते हैं कि ए सी ए सी वाली ट्रायंगल रेशियो ऊपर आए और दूसरी वाली ट्रायंगल की रेशियो नीचे आ गए, उससे मेरी रेशियो लेनी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए सी ओवर पी आर, ए बी ओवर पी क्यू। मैं बताती हूं, मैंने आगे भी आपको पता चलेगा, इससे क्या होगा, ए सी की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दूसरी ट्रायंगल आ जाएगी, ए बी की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दूसरी ट्रायंगल आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने चेंज किया, लेट इट बी के। तो मेरे पास क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू पी आर के टाइम्स एंड ए बी इज इक्वल टू, वैसे ऐसे लिखना चाहिए, ओके, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट, ठीक है। अब बेटा मैंने प्रूफ क्या करना है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। अब बेटा एंगल प्रूफ करने के लिए अगर मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। मुझे एंगल चाहिए, मेरा काम हो जाना, यानी किसी तरह से मैं तीनों साइड्स की रेशियो क्या कर दूं, प्रोपोर्शनल, इक्वल वर्ड नहीं, प्रोपोर्शनल कर दूं। इक्वल में होता है साइड की लेंथ इक्वल है, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो इक्वल है, वो साइड बेटा कॉन्ग्रेंट। आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हो, मेरे पास कोई है ही नहीं ना, इस ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कैसे करूं, मेरे पास रेशियो की बात हो रही है, दीज आर रेशियो, जब रेशियो की बात होती है ना, मेरे पास और कुछ दिया ही नहीं है दक्ष, तो मैं कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ कर दूं। कॉन्ग्रेंट के लिए तीन साइड इक्वल कर दूं, दो साइड इक्वल कर दूं, है ना, दो साइड के बीच में एंगल साथ में इक्वल कर दूं, वो मेरे को कुछ दिया ही नहीं बेटा, मैं कैसे ले लूंगी, नहीं कर सकती ना। तो मेरे दिमाग में सिमिलैरिटी का ही कॉन्सेप्ट आता। अब देखो मेरे पास ये तो दो साइड्स का तो काम है, किसी तरह से मैं थर्ड कर दूं, उसके लिए मैं क्या करूंगी, ए सी है ए बी है, कौन सी साइड रहेगी, बी सी रहेगी, इधर से बी सी मैंने कंसीडर की,
कैसे करोगे, वही तो बता रही हूँ, कैसे प्रूव करोगे एंगल वो इक्वल है, क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं ना दी, प्रोपोर्शनल दी है पुत्र। मैं बार बार ये बात समझा रही हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। वो जैसे मर्जी लगा, एंगल कैसे इक्वल कर दोगे, वो 90 है, क्या क्या दिया, वो ही तो इक्वल, जो चीज इक्वल प्रूव करना है। मैं फिर अभी एर्थ में भी क्लास में यही बात समझा के आई हूँ, एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, वो उसी को यूज करके थर्ड वैल्यू निकाली जा रही है, फोर्थ, ऐसे कैसे हो सकता है, गलत हो गया ना, जो चीज निकालनी है उसको थोड़ा यूज कर सकते हैं। ओके क्लियर। तो अब मुझे इधर से बीसी और इधर से मेरे पास क्यू आर, आर क्यू या क्यू आर जो मर्जी ले। अब बी सी को कैन आई राइट अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, है ना, और आर क्यू को कैन आई राइट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब जरा देखना बेटा, ए बी की जगह पे मैं के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की जगह पे के स्क्वायर पी पी आर स्क्वायर, नीचे ऐसे ही रहने दो, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट के बाहर लूंगी तो क्या आएगा के, तो मेरे पास यहां पर क्या बचा, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इट विल कैंसल, ये भी के इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सारी रेशियोज आपस में क्या हो गई, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, रेशियो इक्वल है, तो मेरे पास बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब हमने प्रूफ थोड़ा करना है पेपर में, पेपर में आपको ये याद रखना है, अगर साइन मेरे पास इक्वल है या कॉज इक्वल है, कोई भी इक्वल है, तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये चीज याद रख। बेटा मैं बता तो रही हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं एमसीक्यू में चेंज करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मुझे दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स हैं, मुझे कहा है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उसने दे दिया बी इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन, ठीक है, बी, फिर दे दिया टू टाइम्स बी इज इक्वल टू क्यू, फिर दे दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, आपको क्या टिक करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जो प्रूफ करना है वो ऑप्शन होगी, नहीं वाह बेटा तब तो आपको याद ही हो जाना ना, आपको तब याद ही हो जाना है कि अगर साइन साइन की वैल्यू इक्वल है, आपको पता है साइन की वैल्यू इक्वल है तो 100% एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होने चाहिए, ऐसे नहीं साइन साइन कट गया और वो, हाँ ठीक है जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके चलिए। दक्ष पता चल गया, मेरे बच्चे अच्छे नहीं ज्यादा बनना, साइन साइन काट दे मैडम बी इक्वल, वो लर्न करने को आप जैसे मर्जी करो, तब याद करने को क्या है ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, ओके लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द फिगर केयरफुली बेटा। अब देखो जरा, थोड़ी सी फिगर चेंज होके आई है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास। इन द फिगर ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी 3 सेंटीमीटर, सी बी 12 सेंटीमीटर, फाइंड कॉट थीटा। अब फिगर जरा देखना, नाइंटी थीटा 12
थ्री और ये ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. कैसे करेंगे? मुझे वही तो, यही तो बात है. देखो मुझे थीटा दिया इस ट्रायंगल में, यही समझाने लगी हूं. अगर थीटा दिया है इस ट्रायंगल में और मुझे कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा क्या होता है? बी बाय पी. मुझे बी चाहिए, पी चाहिए इस ट्रायंगल का. बी मेरे पास 12 है, पी मुझे फाइंड आउट करना है. ये ना तो वो इस ट्रायंगल से आएगा. और अभी मैंने बताया था 3 4 5. देखो जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद है उसने पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी, कुछ नहीं, उसने आंखें बंद करके कर देना कि ये कितना होगा 5. टाइम से हुआ क्या? नहीं हुआ, हुआ ना. तो लर्न हर क्वेश्चन में है 5-6 ट्रिपलेट में आपको बता दू अभी जो आपके मतलब है. कोई अलग आ गया तो कर लो एटलीस्ट. जो बुक में ट्रिपलेट जितने भी यूज हो रहे हैं, अभी एक हमने किया 7 24 25, लर्न हुआ ना. एक किया 6 8 10, एक लर्न किया 3 4 5. देखो तीन तो आज ही याद कर लिए, इसको लिख लो बार बार, जब देखोगे ना तो याद हो जाने. कोई बैठ के स्पेयर टाइम नहीं निकालना बार बार. हाँ जी वो भी बनता है, बिल्कुल है. 12 13 और 5 बिल्कुल बनता है जी. ओके जी, ऐसे ही आप लिखे जाओ ना, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी. मैं बार बार कह रही हूं, समझ आ गई बेटा? तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब यहां पर कितना आ गया 5. अच्छा अगर मैं ये कहती यहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, मैं कॉट थीटा कैलकुलेट ना करने को कहती, मैं कहती कॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. कॉट थीटा ग्रेटर देन 2, कॉट थीटा ग्रेटर देन 1, कॉट थीटा लेस देन 1, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1. क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 point something, मतलब ऐसे मोल्ड होके क्वेश्चन आएंगे, होंगे वही चीजें. देखो इसमें 2 ट्रायंगल भी यूज होगी और वो भी यूज होगी. ओके बेटा? हाँ जी, क्यों हमने दूसरी यूज तो की है? हाँ खत्म.